क्रेविंग एंड क्रेविंग्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ब्लैक मिर्च वाले व्हाइट चने, जो कि बहुत ही मजे के होते हैं। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है हमारे पास व्हाइट चने, ये बॉइल्ड है। ये है हमारे पास प्याज और टमाटर का पेस्ट। दो प्याज लिए थे हमने बड़े साइज के और एक हमने लार्ज साइज का टमाटर लिया था, उसको हमने चॉप कर लिया। और ये हमारे पास किनोर की क्यूब, और ये हमारे पास ग्रीन चिलीज, ये हमारे पास ब्लैक जीरा क्यूमिन सीड्स, और ये है हमारे पास दाल मूंग। इसको मैंने क्या किया, पानी के अंदर इसको भिगोया हुआ है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, हल्दी, ब्लैक पेपर, ये काली मिर्ची हमारे पास साबुत, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्लेम ऑन करना है, एक पैन लेना है, उसके अंदर हमने घी को गर्म कर लेना है इस तरह से। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये जो हमारा प्याज और टमाटर का पेस्ट है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने भूनना है 10 से 15 मिनट तक, हमने इसको भूनना है हाई फ्लेम पे। ये 5 से 10 मिनट हो गए हैं, हमारा जो प्याज और टमाटो का पेस्ट था ये भुना जा चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ ये जो जीरा है, मैं इसके अंदर सबसे पहला इंग्रेडिएंट जीरा ऐड करती हूँ और इसको भी मैंने भूनना है। अच्छा जी, ये जो मेरे पास स्पाइसीज हैं ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, अच्छे तरीके से साफ करके मैं स्पाइसीज इसके अंदर ऐड कर दी। अच्छा जी, मैंने स्पाइसीज ऐड की हैं, इनको मैं भून लूँ अच्छे तरीके से ताकि इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल मसाले के अंदर जो है। फिर देखिए जी, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बिस्मिल्लाह, और इसको मेल्ट होने देते हैं ऐसे जी। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ये जो हमने मूंग की दाल रखी हुई थी भिगो के, ये मैं इसके अंदर ऐसे ही ऐड कर देती हूँ। और हमने क्या करना है, इसकी जो लिड है वो हमने ऊपर दे देनी है और इसको हमने 10 मिनट तक पकने देना है। चलिए जब हम इसकी लिड उतारते हैं और देखते हैं हमारी दाल जो है वो गल चुकी है कि नहीं। तो ये देखें, अभी जो दाल है वो हमारी गली नहीं है, अभी हमने इसको थोड़ा सा और पकाना है। 5 से 10 मिनट तक हम इसको कवर करके फिर पकाते हैं। ये हरी मिर्च है, ये रेड हो गई हुई है, तो आपके पास जो अवेलेबल है, मेरे पास यही अवेलेबल थी अभी, तो मैं ये ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड की है और इस तरह मैं लिड दे के इसको दोबारा पकने देती हूँ। ये देखें, हमारी जो दाल है ये बिल्कुल गल चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ चने, ये देखें जी चने, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको हिलाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको मैं ऊपर ढक्कन दे के 10 से 15 मिनट तक दम दे देती हूँ, तो हमारे चने जो होंगे वो रेडी हो जाएंगे। ये 10 मिनट तक दम पे लगा दिए हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो ये चने हैं ये रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, ये देखेंगे माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं और ये बिल्कुल बाजार जैसे बनते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इसमें से कोई चीज़ भी आपने स्किप नहीं करनी, नहीं तो हमारे जो चने हैं ये ऐसे नहीं बनेंगे। आपने इसमें से कोई चीज़ भी स्किप नहीं करनी। अब हमने क्या करना है, इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें हमारे जो चने हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने अंडे बॉयल करके उसको ज़रा प्रेजेंट कर लिया। आप नहीं करना चाहते, आपके पास नहीं अवेलेबल, तो आप ना करें। वैसे अंडा खाने में भी बहुत मज़े का लगता है इसमें बॉयल्ड अंडा, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इसको इसमें कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, नहीं तो आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। और आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है और इसको शेयर भी करना है और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।